यूं तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अमेरिका और सऊदी अरब बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को भी धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के किंग सलमान को अमेरिकी सैन्य सहयोग के बिना 2 हफ्ते भी पद पर नहीं बने रहने की बात कह डाली है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और सऊदी अरब पर कच्चे तेल के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक ओपेक द्वारा इस मामले में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जबकि वह अमेरिका को यह भरोसा दिलाते रहे हैं कि यह इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाए। गौरतलब है कि सऊदी अरब बीते कुछ समय से अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने पर काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें आड़े आ रही हैं। गौरतलब है कि ब्रांड क्रूड ऑयल का बेंचमार्क इस वक्त $85 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जिसके चलते अमेरिकी ओपेक पर इस काम करने का दबाव बना रहा है। खबर सामने आई है कि सऊदी अरब और रूस ने सितंबर में ही तेल की कीमत को दबाने और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक निजी सौदा किया है। इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि सऊदी किंग सलमान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तेल की कीमतों को कम करने के दबाव के चलते जवाबी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि रूस और सऊदी अरब के बीच हुए निजी सौदे के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को सूचित नहीं किया गया था, जिसके चलते अभी तक वह चिंता में ही बने हुए थे। आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बढ़ रही तेल की कीमतों के लिए ओपेक को दोषी ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक रूस और सऊदी बाजार इस तरह बैरल को जोड़ने के लिए चुपचाप काम करने में लगे हैं। उससे साबित होता है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही काम कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में तेल बाजार को कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही तथ्य ये भी है कि सऊदी अरब और रूस ने तेल के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी करीबी देश सऊदी अरब के लिए एक काफी अजीबोगरीब सा बयान दिया था। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका सऊदी अरब को देने वाली अमेरिकी सेना मदद बंद कर दे तो किंग सलमान अपनी कुर्सी पर 2 हफ्ते तक नहीं टिक पाएंगे। माना जा रहा है कि यह बयान दोनों ट्रंप द्वारा सऊदी अरब को दी गई एक चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।